हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, फिर उसमें टेबल क्रिएट करना, फिर इंसर्ट स्टेटमेंट और सिलेक्ट स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। दोस्तों, आज हम देखेंगे अगर कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है या रिकॉर्ड डिलीट करना है टेबल में से, तो वो कैसे करते हैं। तो चलो, उसका सबसे पहले देखते हैं कि सिंटेक्स क्या है। तो सिंटेक्स सबसे पहले मैं SSMS में जाने से पहले यहाँ एक उसका सिंटेक्स लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमें अपडेट स्टेटमेंट देखना है तो क्या रहेगा? अपडेट स्टेटमेंट, तो उसका सिंटेक्स है अपडेट टेबल नेम सेट, फिर कॉलम नेम्स आएंगे, कॉलम वन इक्वल टू वैल्यू वन, कॉलम टू इक्वल टू वैल्यू टू, राइट। इस तरीके से मल्टीपल कॉलम्स आएंगे। उसके बाद आएगा वेयर कंडीशन। वेयर कंडीशन ऑप्शनल है, मतलब आप स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को ही अपडेट करना चाहते हो तो हम वेयर कंडीशन डालेंगे, सारे सारे रिकॉर्ड्स को अपडेट करना चाहते हो तो वेयर कंडीशन नहीं आएगा। तो वेयर कॉलम कंडीशन, कंडीशन कुछ भी हो सकता है, इक्वल टू कंडीशन हो सकता है, ग्रेटर लेस, कुछ भी, स्ट्रिंग कंपैरिजन, न्यूमेरिक कंपैरिजन, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो हम वो चीज़ अब एग्जांपल में देखेंगे। चलो चलते हैं। यहाँ पर हमारा जो टेबल था, एम्प्लॉय टेबल हमने बनाया था, राइट। तो हम सबसे पहले तो सिलेक्ट स्टेटमेंट ही चलाते हैं, क्या क्या रिकॉर्ड्स है उसमें। मैंने क्वेरी विंडो ओपन कर ली है। तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट स्टेटमेंट डालता हूँ कि भाई रिकॉर्ड्स क्या क्या है हमारे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट। दो रिकॉर्ड है, ठीक है। अभी मैं तीन चार रिकॉर्ड और इसमें इंसर्ट कर देता ताकि हमें अपडेट और डिलीट अच्छे से हम रिकॉर्ड को अपडेट और डिलीट कर पाए। तीन चार रिकॉर्ड और ऐड कर देता हूँ। इंसर्ट इंटू एम्प्लॉय, राइट, एम्प्लॉय आई डी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट, सैलरी। अब इसके अंदर वैल्यूज, थ्री, टू रिकॉर्ड से दो बार डाल देते हैं, टू आईडी का, टेस्ट नेम, टेस्ट लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं 1990 04 07, राइट। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑपरेशंस डाल देते हैं, ठीक है। सैलरी 10,000 डाल देते हैं, ठीक है। ये हमने एंटर कर दिया। अब ऐसे इसको कॉपी कर लेते हैं, तीन चार और, ठीक है, तीन चार और रिकॉर्ड्स बना लेते हैं। थ्री थ्री फोर फाइव,
थ्री या थ्री डाल देते हैं, थ्री फोर, थ्री अंडरस्कोर टैग। ये जस्ट टेस्टिंग रिकॉर्ड्स है, इसलिए मैं इस तरीके से, नहीं तो हमको अच्छे से नाम ढूंढने पड़ेंगे सारे, राइट। तो ये टेस्ट फोर, राइट, टेस्ट फाइव, और बटेड भी यहाँ। चलो अभी सारे चेंज नहीं करते, एक दो को चेंज कर लेते हैं। 80 85 ठीक है। अब मैं ये सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, ठीक है। ये एग्जीक्यूट हो गया, वन रो अफेक्टेड। तो हम देखते हैं टेबल में। दोस्तों आप देख रहे हो जो हमने नए रिकॉर्ड्स इंसर्ट करे वो सारे इंसर्ट हो गए, और मैंने कुछ कुछ रिकॉर्ड सेम एम्प्लॉय आईडी से भी इंसर्ट करे। ये मैंने दोस्तों जानबूझ के करे है, क्योंकि इसके बेस पे मैं आगे कुछ आपको बताऊंगा इसलिए। तो अभी तो आप एम्प्लॉय आईडी ऐसे सेम तो नहीं हो सकते, राइट, पर फिर भी मैंने जानबूझ कर यहाँ एंट्री करी है, ठीक है। तो अब ये इंसर्ट तो हो गए, अब हमको इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ओके, न्यू क्वेरी विंडो में रख देता है इसका ऑप्शन, ठीक है, यहाँ भी रख दिया मैंने। अब सबसे पहले हमारा अपडेट स्टेटमेंट, राइट। तो फॉर एग्जांपल हमको ये अपडेट जो एम्प्लॉय आईडी 4 है उसके मतलब सैलरी मेरे को अपडेट करनी है, राइट। तो क्या स्टेटमेंट रहेगा, सिंटेक्स तो मैंने आपको बताया वहाँ पर, अपडेट, राइट, फिर क्या टेबल नेम, राइट, उसके बाद सेट, राइट, सेट कीवर्ड, उसके बाद कॉलम वैल्यू, कॉलम इक्वल टू वैल्यू, राइट। तो हमको क्या सैलरी बढ़ानी है, राइट, तो सैलरी वाला कॉलम आएगा, ठीक है। तो 6000 है अभी एम्प्लॉय आईडी 4 की सैलरी, वो मेरे को 7000 करनी है, तो मैं यहाँ लिखूँगा 7000, राइट। और किसकी बढ़ानी, एम्प्लॉय आईडी 4 की, तो कंडीशन आई वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 4, राइट। जैसे मैंने वो सिंटेक्स बताया था उसी तरीके से हमने लिखा है, अपडेट, टेबल नेम, सेट, कॉलम और साथ में वेयर कंडीशन, राइट। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ दोस्तों, फिर देखते हैं। अभी आप नोट कर लो ये 6000 है यहाँ पर वैल्यू, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, राइट, वन रो अफेक्टेड। अब मैं रिकॉर्ड को अगेन फेच करके देख लेता हूँ, एम्प्लॉय आईडी 4, सैलरी 7000, ठीक है दोस्तों। मतलब ये अपडेट स्टेटमेंट हुआ। अब इसको ही थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं कि भाई इसकी सैलरी तो हमने बढ़ाई पर इसकी बजट भी कुछ गलत थी, तो बजट भी हमको अपडेट करनी है। तो मैं यहाँ पर अपडेट स्टेटमेंट लिखता हूँ, और चलो साथ में ये भी करते हैं कि सैलरी 7000 से 8000 कर देते हैं फॉर एग्जांपल, और इसकी बर्थ डेट भी चेंज करनी है, राइट, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ क्या है अभी, 8847, राइट, तो वो एक्चुअली गलत थी, तो हम कर रहे हैं 89 कर रहे हैं, 05 कर रहे हैं और 11 कर रहे हैं, राइट, ये बर्थ डेट आ गई। तो यहाँ देखो अभी ये है, तो अभी एम्प्लॉय आईडी 4 जो रिकॉर्ड है उसकी दो चीज़ें, दो वैल्यूज अपडेट होगी, सैलरी और डेट ऑफ बर्थ, राइट। तो हमने एक, अगर कोई एक कॉलम की वैल्यू अपडेट करनी वो एग्जांपल देखा, और दो कॉलम की करनी है तो वो भी देखा, तो इसको भी हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, और सिलेक्ट कर स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखो ये जो हमने अपडेट किया वो आ गया, और सैलरी भी जो हमने अपडेट करी वो आ गई, तो इस तरह से रिकॉर्ड अपडेट होता है। अब एक दूसरा वेरिएंट देखते हैं इसमें। अब जो सैलरी है उसको, सैलरी तो 7000 करी, अब जो भी एग्जिस्टिंग सैलरी है उसको उसमें 500 बढ़ाने हैं इस तरीके से, तो अब 500 बढ़ाने हैं, तो अब वो भी एक एम्प्लॉय के नहीं, सारे एम्प्लॉयज की सैलरी 500 बढ़ानी है, ठीक है। तो क्या होगा, अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी, राइट, और सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ानी है, राइट,
और एग्जिस्टिंग सैलरी से 500, तो एग्जिस्टिंग सैलरी इक्वल टू क्या आएगा, एग्जिस्टिंग सैलरी क्या है, सैलरी है राइट, सैलरी कॉलम, और उसमें 500 बढ़ाना है प्लस 500 राइट, और सारे एम्प्लॉयज की बढ़ानी है तो वेयर कंडीशन नहीं आएगी राइट। अब एग्जीक्यूट करते हैं इसको, देख लो दोस्तों ये फर्स्ट वाले की 25,000 है, इसकी 1,700 है, किसी के मतलब सबके मतलब 500 बढ़ जाएंगे, तो ये एग्जीक्यूट करते हैं और 7 रिकॉर्ड्स अब फिट है। अब सिलेक्ट स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, तो दोस्तों सबके 500 बढ़ गए हैं सैलरी देखो राइट, तो ये अपडेट हुआ। तो मतलब इस तरीके से आप मतलब मल्टीपल कॉलम स्पेसिफाई कर सकते हैं सेट कीवर्ड के बाद, और वेयर कंडीशन में भी अलग अलग कंडीशंस सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर वेयर कंडीशन में एक ही कॉलम स्पेसिफाई है, अब मल्टीपल कंडीशन स्पेसिफाई करके भी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे डिपार्टमेंट तो नहीं, चलो सैलरी बढ़ानी है दो ही एम्प्लॉय की, 500 बढ़ानी है, तो फॉर एग्जांपल इन दोनों की बढ़ानी है, एम्प्लॉय आईडी 4 और 5 की फॉर एग्जांपल 500, तो मैं क्या लिखूंगा, अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी 500 बढ़ानी है राइट, तो सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 500 राइट, वेयर एम्प्लॉय आईडी, चलो एम्प्लॉय आईडी तो हमने हर बार लिया ही हुआ है, तो इस बार लेते हैं फर्स्ट नेम, ये जस्ट नॉर्मली एम्प्लॉय आईडी ही रहेगा कोई भी एक्चुअल प्रोजेक्ट में करोगे तो, पर यहाँ पर हम जस्ट डेमो कर रहे हैं तो ये अलग अलग कॉलम लेके देख रहे हैं, तो अब हम देख रहे हैं कि भाई टेस्ट नेम 4 अगर लिखते हैं मतलब स्ट्रिंग वाला कॉलम तो भी वर्क कर रहा है कि नहीं जस्ट, ठीक है, और फर्स्ट नेम इक्वल टू टेस्ट नेम 5, ठीक है। यहां पर मैंने क्या करा, दो अगर फर्स्ट नेम टेस्ट नेम 4 है या 5 है, दोनों के मेरे को रिकॉर्ड सैलरी बढ़ानी है, तो यहाँ 8500 या 9000 है राइट, तो हम दोनों की सैलरी बढ़ाते हैं यहाँ पर राइट, वो सिलेक्ट करके देख लेते हैं, 9000 हो गए, ये 9500, तो इस तरीके से एज अ मल्टीपल कंडीशन, ये तो मैंने दो ही कॉलम और कंडीशन के साथ दिया, कॉम्प्लेक्स कंडीशन भी हो सकती है। तो दोस्तों ये मैं एकदम बेसिक से जा रहा हूँ, जिनको एडवांस आता है वो तो ठीक है, इस मतलब ये वीडियो उनके लिए तो नहीं है, पर जो एकदम बेसिक से जिनको कुछ भी पता नहीं है उसके लिए है, तो ये इस तरीके से सीख सकते हो ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ का एक एग्जांपल ले लेते हैं, कि अगर डेट ऑफ बर्थ वो, हाँ वो तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया है यहाँ पर ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं कि डिलीट स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, अपडेट का तो हो गया दोस्तों, और भी कुछ क्वेरी हो कि भाई ये अपडेट में ये कैसे कर सकते हैं, ये सिनेरियो कैसे हो सकता है, ये सिनेरियो कैसे हो सकता है, तो आप मेरे को कमेंट में भेज सकते हो, तो मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा। अब डिलीट स्टेटमेंट, डिलीट हमको रो डिलीट करनी राइट, तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम राइट, कौन से टेबल में से डिलीट करना है, और वेयर कंडीशन, अब वेयर कंडीशन ऑप्शनल है राइट, अब अगर आपको सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं तो आप डिलीट फ्रॉम टेबल नेम लिख दोगे, पर स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स ही डिलीट करने हैं तो आप वेयर कंडीशन के साथ डालोगे राइट ओके, तो हम अब इसको एक्चुअल एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट स्टेटमेंट वापस से चला लेता हूँ, या क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं ठीक है, ये सारे रिकॉर्ड्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो जो भी अभी फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी 2 के 2 रिकॉर्ड्स है राइट, तो मैं ये टेस्ट नेम वाला रिकॉर्ड है वो डिलीट करना चाहता हूँ राइट, वो बाय मिस्टेक मेरे से हो गया था ऐसा मैं मान रहा हूँ,
तो मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट। यही तो सिंटेक्स देखा हमने, और क्या वेयर कंडीशन, राइट। दोस्तों अब मेरे को बताओ, यहाँ एम्प्लॉय आईडी हम लिख सकते हैं? हम तो ये वाला रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं, ऐसा लिख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी ट्रू। इससे क्या होगा बता सकते हो आप? इससे ये होगा कि अगर मैं ये एग्जीक्यूट करूंगा तो एम्प्लॉय आईडी टू वाले दोनों रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे, तो जो मैं नहीं चाहता, राइट। मेरे को ये वाला रिकॉर्ड ही डिलीट करना है, तो ऑब्वियसली मेरे को कॉलम कौन सा चाहिए? फर्स्ट नेम वाला, क्योंकि वही दोनों में डिफरेंस है, फर्स्ट नेम, राइट। फर्स्ट नेम इक्वल टू टेस्ट नेम, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। दोस्तों अभी तो ये आप सीख रहे हो, पर एक्चुअल सिनारियो में आप जब भी ऐसे डिलीट स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट कर रहे हो तो बहुत ध्यान से, बिकॉज अगर एक बार आपने कर दिया, रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए, तो फिर आप बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे, राइट। तो डिलीट अगर स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करते हो तो बहुत ध्यान से, वेयर कंडीशन आपको, विदाउट वेयर कंडीशन तो आपको कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। तो अब देखते हैं, फर्स्ट नेम इक्वल टू टेस्ट नेम, राइट। तो हमारा ये वाला रिकॉर्ड डिलीट होगा, राइट। वन रो अफेक्टेड, इसका मतलब एक रिकॉर्ड डिलीट हुआ है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट। वो जो टू एम्प्लॉय आईडी और टेस्ट नेम के साथ जो रिकॉर्ड था वो डिलीट हो गया। अब मैं इसको वापस एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा? जीरो रोज अफेक्टेड, क्योंकि वो रिकॉर्ड है ही नहीं, ऐसा कोई रिकॉर्ड, राइट। अब मैं चाहता हूं जिनकी सैलरी 9000 से कम है, उस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूँ, 9000 या 9000 से कम, फॉर एग्जांपल। तो यहाँ ये जस्ट सिंपल सिनारियो लिया है हमने, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट, वेयर सैलरी लेस देन 9000, लेस देन इक्वल 9000, राइट। तो क्या क्या एक्सपेक्टेड है इसमें डिलीट होना? ये वाला तो रिकॉर्ड डिलीट होगा, ये वाला भी होगा, दो, और बाकी सब तो 9000 से ज़्यादा ही है। तो चलो इसको हम डिलीट करके देख लेते हैं। ये हमने एग्जीक्यूट किया, टू रोज अफेक्टेड, राइट, ठीक है, वो दोनों रिकॉर्ड चले गए हैं, तो ये हो गया। अगर हमको सारे ही रिकॉर्ड्स अगर डिलीट करने हैं, सारे ही रिकॉर्ड्स, तो क्या करना होगा? हम डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय एग्जीक्यूट करेंगे विदाउट वेयर कंडीशन, जो मैं अभी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। और एक और भी, अब डिलीट की बात हो ही रही है, तो मैं एक और स्टेटमेंट, ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय, ये भी अगर टेबल में से सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करने, तो ये सिंटैक्स भी यूज़ हो सकता है, ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय, राइट। तो अभी मैं ये एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जीक्यूट करूँगा तो दोनों ही खाली हो जाएंगे। तो मेरे को आप नेक्स्ट वीडियो तक ये कोई बता सकता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों ही एम्प्लॉय टेबल को एम्प्टी करेंगे, राइट, पर डिफरेंस क्या है, तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, राइट। मेरे को पता लगेगा कितने लोग एक्टिव है, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट जो भी लाइक प्राइमरी की, यूनिक की, इंडेक्सेस, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, राइट। और मैं एक्चुअली ये एकदम बेसिक से लेके जा रहा हूँ, राइट, क्योंकि मतलब बहुत से लोगों को मतलब ऐसी ये सारी चीज़ें पता नहीं होती है, तो उनको सीखने में दिक्कत आती है। तो मैं ये एकदम बेसिक से लेके फिर क्या एक प्रोजेक्ट की तरफ भी जाऊंगा, जैसे हमने पहले सीसाब का वीडियो देखा है, राइट, सीसाब के वीडियोस। अभी मैं डेटाबेस देख रहा हूँ, फिर मैं उसके बाद सीसाब और डेटा एसक्यूएल सर्वर की कनेक्टिविटी देखेंगे, फिर वो एक बार हो जाएगा तो उसके बाद वही चीज़ को हम वेब पे ले जाएंगे, राइट। तो वेब से पूरे एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे,
और वेब एप्लीकेशन अगर बन जाएगी उसके बाद हम होस्टिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आप ये सीरीज़ में बने रहिएगा। थैंक यू।